ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वही मेरी लाइफ लाइन है। स्नो गिरा हुआ उस मेमोरीज लोग नाना माथा है, नाना माथा फैमिली घोड़ा आंख भर के मेमोरीज में उतार लेता हूँ। थैंक यू, वेलकम एड्रेस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांग। टाइम इज 5:38 इन द मॉर्निंग और मैं तैयार हूँ अभी आगे निकलने के लिए। आज का प्लान है कि टुडे आई विल गो टू सो मोरोरी। ये पैंगोंग जैसा ही लेक है, छोटा सा लेक है बट पैंगोंग जैसा बड़ा नहीं है। यहाँ से सो मोरोरी 80 किलोमीटर होगा और मैं जिस होमस्टे में रुका था उसका नाम है लुंगटा रेस्टोरेंट। अच्छा नहीं है, बेकार सा था, लेकिन पूरा उसके पास 12 बेड्स थे और एक रूम था पूरा खाली था, मैं अकेला था उसमें। ये रहा लुंगटा रेस्ट हाउस। जय बजरंगबली, जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। 6:11 हो रहा है एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पांग, जहाँ से मेरा पहला स्टॉपेज मतलब पहला डेस्टिनेशन आज का होगा सो मोरोरी, विच इज सम 150 किलोमीटर। ए भगवान रक्षा करना, सामने वाला पहाड़ी तो भाई साहब डरा रहा है। वो देखो काला पहाड़ और ऊपर से बारिश बादलों से छुपा हुआ है। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया आज, ऑब्वियसली इतना सुबह सुबह कोई चांस ही नहीं ब्रेकफास्ट करने का, मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो रास्ते में कहीं पर कुछ खा लेंगे और क्या। कल इतना थक गया था कि कल आई थिंक 5:30 के आसपास, मतलब यहाँ पे चेक इन करने के बाद ही मैं एक थुक्पा खाया और सो गया। मेरे हेलमेट में एंटी फॉग एंटी रेन वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो वाइज़र खोल के चला रहा हूँ तो ठंड लग रहा है, वाइज़र बंद करूँ तो फिर फॉग आ रहा है। पूरा स्नो गिरा हुआ है उस माउंटेंस के ऊपर, दिख रहा है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये तो बैरन है, कुछ नहीं है, नाना माथा है, नाना माथा। बस इनमें खो जाऊं ऐसा ही लग रहा है। दूर दूर तक रास्ता और चारों तरफ पहाड़, कुछ नहीं है। यहाँ पे आके इतना शांति मिलता है, इतना शांति मिलता है कि बोल नहीं सकते। मैं डार्विन पहुंच गया अभी और अभी 7:26 हो रहा है। आई थिंक ये रोड शायद कट रही है सोमरोरी के लिए, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। सीधे शायद ले जाएगी एंड दिस इज अ रोड फॉर सोमरोरी। सोमरोरी ऐसा सीधा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये लिखा हुआ है माहे मनाली सोकर, आई डोंट नो व्हाट सोकर इज, बट अब यहाँ से रास्ता शायद खराब होने वाली है। बहुत टाइम है, पूरा दिन पड़ा हुआ मेरे पास। सामने पूरा ब्लू ब्लू, क्या खूबसूरत है। मैं एक एंटी फॉग एक छोटा सा कपड़ा तो लिया था, 500 रुपये का लिया था, बट वो मिल नहीं रहा वो कहाँ पे है। बट वही है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैंने क्या किया है, अपना नाक और मुंह को स्कार्फ से बांध दिया है, तो उससे क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द मॉइस्चराइजर मतलब मॉइस्चर्स ऑलमोस्ट ऑफ फॉग इज जीरो। तो ये भी एक जुगाड़ हो सकता है, अगर एंटी फॉग नहीं है तो ऐसा काम चल सकता है। फिलहाल ये पूरा पठारी जगह, पूरा ग्राउंड मैदान, चारों तरफ जीरा हुआ माउंटेन, क्या जगह है यार। सूरज मामा थोड़ा सा आ जाइए, ठंड से बचा लीजिए थोड़ा सा। बहुत देर के बाद एक ग्रीन पास मिला है, लद्दाख में नॉर्मली ग्रीन पास दिखता ही नहीं है। मैं दो मैप कैरी कर रहा हूँ, एक तो फैल्कन राइडर्स का और दूसरा मैंने मार्केट से खरीदा था, ऑनलाइन खरीदा था। बट बिलीव इन मी, फैल्कन राइडर्स का जो मैप है ना अमेजिंग है। मतलब वो बंदा ये भी डिस्क्राइब किया है कि कितना किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे ऑफ रोड मिलेगा, कहाँ पे टारमैक मिलेगा, मतलब वही मेरी लाइफ लाइन है। मैं तो टैंक बैग में वो मैप लगा के रख रहा हूँ सो दैट कहीं इधर उधर गड़बड़ ना हो जाए। सी थैंक यू फैल्कन राइडर्स, मतलब आपने ये मैप बना के कितनों की जिंदगी आपने आसान कर दिया होगा, मेरा तो कर ही दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मैं चोकर करके एक जगह में आ गया, यहाँ पे मैं भगवान से प्रार्थना कि सब ठीक रहे और थैंक यू मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। सोगलों को भी थैंक यू यहाँ तक लाने के लिए। तो ये सोकर है और यहाँ से मुझे अभी जाना है करीबन 35 किलोमीटर। ये पोलांगकांगा ला करके एक पास पड़ेगा, उसको क्रॉस करते हुए सुमडो, फिर सुमडो से मुझे कारजोक तक जाना है जो कि 58 किलोमीटर, वहीं पर मुझे सोमरोरी मिलेगा। ये जंगली घोड़े, ये भाई साहब उधर थे रास्ते में आके खड़े हो गए, उधर और भी दो दिख रहे, दो है। क्लाउड्स ने
माउंटेन्स को पूरा घेर रखा है। ऐसा मानो ऐसा बोल रहा है कि भाई क्लाउड्स ऐसा माउंटेन्स को बोल रहा है, भाई साहब तू मेरे घर में क्या कर रहा है, तो पूरा घेर दिया उसको। ऑन द कॉन्ट्ररी इधर उतना नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा तो नहीं है, सोकार से थोड़ा सा ही दूर तक रास्ता था, उसके बाद कुछ ऐसे ही चल रहा है, इससे भी कहीं कहीं तो मिट्टी विट्टी मिल रहा है, बट रास्ते का कंस्ट्रक्शन चल रहा, तो मेरे ख्याल से अगला एक दो साल में ये ठीक हो जाएगा। भूख लग रहा जबरदस्त, कल शाम को 4:30-5 बजे के आसपास मैंने खाली थूक पकाया था, उसके बाद सो गया था मैं। पीछे सोकर में भी पता किया कि खाना वाना कुछ मिल जाए, तो वहाँ तो मना कर दिया, मेरे ख्याल से अर्ली मॉर्निंग में कहाँ मिलेगा कुछ, गाँव आने वाला है सुमुडू करके, शायद वहाँ पे कुछ मिल जाए। लेकिन भाई साहब पेट में तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है, चूहे बिल्ली सब कूद रहे एक साथ में। तो सोलो राइड में प्लस माइनस सब होता है, प्लस तो बहुत है, माइनस ये है कि तब से चले जा रहा हूँ, कोई पूछने बोलने वाला है नहीं, अपना इमोशंस किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, दूर दूर तक कुछ नजर आ नहीं रहा, खंडहर पहाड़, रास्ता भी ऐसे, तो कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बोर लगता है कभी कभी। असल में ये पैच ही ऐसा है, यहाँ पे ऐसा कुछ एक्साइटमेंट है नहीं, नॉर्मल सा रूट है। प्लस पॉइंट्स ऑफ अ सोलो राइडिंग इज मेनी आर मेनी दे आर लाइक, सबसे पहले तो कोई बंदिश नहीं रहता है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, यू आर ऑन योर ओन, जहाँ रुकना है जहाँ जाना है जो प्लान बनाना है बेसिकली जिस रूट में जाना है एवरीथिंग कुड बी डन, कहीं फोटोग्राफी करना है रुकना है रुक जाओ, ग्रुप में हो या साथ में और कोई हो तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, आप फोटोग्राफी के लिए रुक गए और उसको मन नहीं है रुकने का, तो वो दिक्कत है। इन नटशेल आप मर्जी के मालिक हो, आप शहंशाह हो अपने पूरे एपिसोड का। नेटवर्क कल से कब से नहीं है, परसों से नहीं है नेटवर्क मेरे पास, कल थोड़ा सा मिला था एक जगह में, एक भाई साहब का कौन सा जगह था, हाँ सुमुरू मिला था शायद, तो थोड़ी देर के नेटवर्क आया उसी पैच में, तो घर से बात कर लिया और घर वालों को बता दिया कि भाई आज से लेके 3 दिन तक मैं नो नेटवर्क जोन में घूमूंगा, तो टेंशन ना ले। नो नेटवर्क इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि सुमुरनी में कुछ मिलेगा नेटवर्क वगैरह, उसके आगे हानले है, हानले में 2 दिन है, हानले में भी नहीं मिलेगा, शायद पैंगोंग में मिल जाए अगला 3 दिन, मतलब आजकल परसों तो नहीं है नेटवर्क। करीबन 30-35 किलोमीटर भगाने के बाद एक टर्मैक रोड मिला है यहाँ पे, जान में जान आया, इसका मतलब मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, सीधा सीधा रोड, बहुत अच्छा रोड है मेरे ख्याल से, ये सुमरी तक लेके जाएगा। ओहो दिस इज पुगा विलेज, पुगा छोटे 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 घर है यहाँ पे, सी बहुत ही छोटा विलेज है, कैसे रहते होंगे यार यहाँ पे लोग और क्यों रहते हैं, करते क्या होंगे ये लोग, खाना पीना कहाँ से आता होगा, ढेर सारे सवाल है मेरे। देखो पुगा विलेज ख़त्म हो गया, मतलब गिन के 15-20 घर होंगे, दिस इज डेजर्ट, पूरे मरुभूमि टाइप का है, इधर भी ये मैं सही देख रहा हूँ, डेजर्ट ही है ना, डेजर्ट ही तो है इतना, तो वाइट वाइट है और क्या हो सकता है, नमकीन पानी भी हो सकता है वैसे, लेकिन डेजर्ट टाइप का ही ज़्यादा लग रही है। फिलहाल भूख लग रहा है यार, कोई खाना खिला दे मेरे को, 9:22 हो गया, ना खराब रास्ता ख़त्म हो रहा है और ना कहीं कुछ खाने का मिल रहा है। मैं दिल्ली से अब निकल रहा था तो दिमाग में था कि कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ले लूँ, लेकिन प्लान में सडन चेंज हो गया, मतलब 6 तारीख की जगह जो 5 तारीख निकल गया ना, तो सब धरा का धरा रहेगा, ध्यान ही नहीं रहा। अब मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, कुछ चॉकलेट्स पड़े हुए हैं बस ऑफिस को, तो मैं बच्चों के लिए लाया था यहाँ पे, इसीलिए उसको टच नहीं करूँगा। हाँ ये तो रेत है भाई, तो डिजर्ट पीछे थोड़ा सा मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर तक टर्मैक मिला था, फिर वो गायब हो गया, फिर से ये खराब वाला रास्ता जहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में ही चलाना पड़ रहा है। सो अल्टीमेटली मैं सुमुडू पहुँच ही गया, 9:30 बजे सुबह के, अंडा पराठा बोल दिया, चाय बोल दिया, ये हेयर बैंड मैंने चेंज कर दिया, कपड़ा चेंज नहीं कर पाया, कम से कम ये तो चेंज करूँ, बोर हो गया था अपने आप को देखते देखते। फिलहाल यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन जो है पहला डेस्टिनेशन सोमरूरू, विच इज़ सम 53-54 किलोमीटर्स, एंड मौसम बिगड़ रहा है थोड़ा सा, बारिश हो रही है हल्का हल्का। सोमरूरू पहुँचने के बाद डिसाइड करने का हानले जाना है या नहीं, सुबह मुझे पहले लगा था कि हानले वहाँ से 80-85 किलोमीटर्स है, बट मैं ये भूल गया बाकी का 50 किलोमीटर मैंने खा लिया, तो फ्रॉम सोमरूरू टू हानले इट इज़ सम 150 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, तो देखेंगे अगर सब ठीक रहा तो मैं हानले की तरफ निकल जाऊंगा आज। बाय बाय सुमुडू विलेज, ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेड ऑमलेट और मैगी भी खाया और चाय भी पिया, बॉडी एक हो रहा था तो एक डोलो भी मार लिया मैंने, आई एम रेडी टू गो नाउ। पूछ लेता हूँ सुमुडू का रास्ता, इधर से कहीं बताया था राइट लेना है, अच्छा वो गाड़ी खड़ी है शायद वहीं से राइट को है। लग तो यहीं रहा। You guys are trekking?
यू गाइस आर ट्रेकिंग, ऑल द बेस्ट, जुलाई, सी यू देयर इन सोमवारी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये लोग वही अंकल के दुकान में, यहाँ पे मैं बैठ ब्रेकफास्ट कर रहा था, अंकल बता रहे थे ये लोग इज़राइल से आए हुए हैं और ये लोग पैदल जा रहा है। भाई साहब मानना पड़ेगा, यहाँ से करीबन 53-58 किलोमीटर होंगे शायद। जज्बा है, जज्बा। अंकल ने बताया कि रोड बहुत अच्छा नहीं है सोमवारी का। चलते हैं भाई, जैसा रोड है एटलीस्ट गणबोरंजन जाने के लिए जो रोड मिला था मेरे को कल परसों, वैसा रोड तो नहीं होगा, उससे अच्छा ही होगा। इसलिए काहे का टेंशन, रोड लेने का टेंशन ही नहीं है। लेट्स गो, लेट्स ज़ूम। पता नहीं यहाँ से जाएंगे कैसे ऊपर, तो पूरा रास्ता ही गार्ड करके रखा है। अब मुझे यहाँ पे चढ़ाना है ऊपर, कैसे चढ़ाऊँ, ऊपर कैसे चढ़ाऊँ, ये तो फंस जाएगा इसमें। वहाँ था जो वहाँ पे, वहाँ जा, रुको रुको रुको, आगे आगे आगे, एक पत्थर रख दो एक बीच में, एक कोई पत्थर रख दो बीच में, तभी जा पाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा ये। चल फगलू, तुम्हारा एक और टेस्ट है। थैंक यू भैया, थैंक यू जुले। मैं तो चढ़ गया, बाकी लोग कैसे चढ़ेगा कैसे उतरेगा पता नहीं। अब ये पहाड़ देखो, अजीब सा ही कलर है, स्नो नहीं है लेकिन वाइट भी है, वाइट ब्राउन और पता नहीं क्या क्या कलर है। सामने एक लेक भी नजर आ रहा है, क्या यही सुमुररी है? इतना जल्दी तो नहीं पहुंच सकता मैं सुमुररी। व्हाट अ ब्यूटी, छोटा सा एक लेक है, सुमुररी तो नहीं है ये, छोटू सा है, पूरा ट्रांसपेरेंट लग रहा है। पहाड़ों का जो परछाई वहाँ पे आ रहा है, अलग ही एक दृश्य नजर आता है, दृश्य नजर आता है। वाह सौरभ क्या बात है, चलो आई वॉज लकी इनफ टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट टूरिस्ट। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार, रोकता हूँ थोड़ा देर के लिए। अब यह नया दृश्य, पूरा एरिया खाली, पूरा नो इनहेबिटेंट, नथिंग, ब्लू माउंटेन्स, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। फर्स्ट व्यू ऑफ सोमवारी, 11:51 बाय माय वॉच। व्यू चाहिए, एडवेंचर चाहिए, मोमेंट्स चाहिए चेरिश करने के लिए आज और कल के लिए। सो यहाँ से ये टर्न हो रही है रास्ता, करजोक, अच्छा करजोक विलेज इधर ही है। अरे व्यू के साथ साथ तो रास्ता भी अच्छा हो गया भाई। मक्खन मक्खन, जंगली घोड़ा बहुत सारे दिख रहे मुझे, और ये सोमवारी लोग, ओ हो ब्यूटीफुल, क्या बताऊँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।